भाई फोटो वोटो मत। अच्छा तो तुम्हारी फोटो नहीं लेते, चलो लेंगे इधर से ले, चलो इधर से आगे से ले ले, आपकी फोटो लेने में आ गया। लो बैटरी ना खत्म हो जाए, बस रहने दो भाई, निपट गई हमारी नई गाड़ी, निपट गई। बहन क्या बना नाश्ते में? क्या बना बहन? खाने खाओ, कल से नहीं बनाऊंगी। अबे एक तेरी मैं तेरी मैं पता क्या खाने के लायक हो तुम्हें? रात को बासा बने, जो रात का खाना होता है ना सुबह वही चाहिए। अरे मैं तो तेरी इज्जत वाली बात कर रहा हूँ, क्या बढ़िया चीज बनाई है। बेइज्जती करते हो, तुम्हारे लिए सुबह किचन में लगो, ऊपर से तेरा जीजा बोलता है खपंची दे दे। क्या दे दे? खपंची। वो क्या करेगी? खपंची होती है, मतलब कोई डंडा दे दे, मैं अंदर लगा निकल नहीं रहा हूँ। आज बना है पराठा आलू विद डंडा, समझे ना? ये पराठा आलू आया, आलू भुजिया डंडा। हेलो, वो तो कह रहे डंडा मार के अंदर लेके जाना पड़ रहा है। ऐसी कर इनको डंडा दे देके। नहीं भाई मेरे तो आलू फेवरेट है, मैं तो अच्छे से खाऊंगा बहन। और ये साथ में अंडा भी है, मसाले वाला अंडा बनाया, मसाले वाला अंडा। मेरे को आलू भी अच्छे लगते हैं, ऑमलेट भी अच्छा लगता है, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलने वाला, सब बढ़िया बनाया इसने। तो ये ऑमलेट और ये आलू, नहीं क्या ये यूट्यूब, ये आलू ये प्रीति ने YouTube से बनाया। और अंडा मतलब जो तारीफ की काबिल है ना, जो तारीफ के काबिल चीज है वो भाई है, अंडा इतना बढ़िया बनाया। मैंने नहीं खाया, अभी डैडी जी ने खाया और जीजू ने खाया, अब कह रहे बहुत बढ़िया है। आलू विद चम्मच, नहीं नहीं उल्टा चम्मच। आलू एक्चुअली होता क्या ना, आलू आलू गीले नहीं होते, मतलब जो गीली सब्जी होती है ना आराम से अंदर चली जाती है, आलू थोड़े सूखे सूखे तो होते हैं इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। अंडा एक नंबर, अंडा दाल खाना साथ में, दाल भी दो, आधा पराठा और देखा, अंडा टेस्टी है, आधा पराठा और। हम ऐसे ही नहीं यार, आपको लगता होगा मैं ऐसी बेइज्जती करते थे, नहीं भाई, जो तारीफ की चीज होती है हम तारीफ भी करते हैं। जिसमें बेइज्जती कराने तो करा ले, हमें क्या, हम तो करने को तैयार बैठे हैं। तो ये कोई मैसूर से आया था और मैसूर से हमारे लिए आई है मैसूर पाक की मिठाई, बहुत अच्छी मिठाई है, पूरा डब्बा आया था, आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। बस दिक्कत यह मीठा थोड़ा ज्यादा है, वैसे टेस्टी है। और काफी सारे बंदे मेरे से पूछते हैं कि भाई आप जहाँ जहाँ पैसे इन्वेस्ट करते हो हमें भी बताते रहा करो। देखो यार, ऑन अ डेली बेसिस हम कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट और अमेरिकन सर्विसेज यूज़ करते हैं। जैसे कोई सीरीज़ देखनी है तो हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, कुछ रिसर्च करना है तो हम गूगल पे करते हैं, कपड़े पहनने तो नाइकी के पहनने, और फेसबुक तो है ही है। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपने सुना ही होगा। बिकॉज मैं इतने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ करता हूँ तो मेरा ना बहुत टाइम से मन था कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ। और जहाँ इंडिया में आपको एक कंपनी का पूरा स्टॉक बाय करना पड़ता है, यूएस स्टॉक मार्केट में आप उसका फ्रैक्शनल शेयर भी खरीद सकते हैं, यानी कि शेयर का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन जब मैंने पहली बार इंडिया से यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करा ना, तो अराउंड 12,000 फ्लैट फ्री चार्ज करा मेरे बैंक ने, कन्वर्सेशन रेट पे मार्कअप चार्ज करा, और ऊपर से स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पर ब्रोकरेज फीस। आई ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ दीज चार्जेस। और कुछ महीने पहले जब मैंने INDMoney मनी को यूज करना स्टार्ट करा अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए, तब मुझे उनके 2-in-1 अकाउंट के बारे में भी पता चला, एंड दैट इज अ गेम चेंजर। INDMoney पे ना यूएस स्टॉक परचेस करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, इट्स ऑल फ्री, स्टॉक के बाइंग और सेलिंग पर कोई कमीशन नहीं, पूरा अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है पेपरलेस है, जीरो अकाउंट ओपनिंग, जीरो मेंटेनेंस फी, अपने यूएस स्टॉक के अकाउंट में भी पैसे डालने के लिए आपको कोई फ्लैट फ्री चार्ज नहीं देना होता। आप ओवर 4500 कंपनी के स्टॉक चूज कर सकते हैं, इस ऐप से आप इजिली स्टॉक की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, बस आप स्टॉक चूज करिए और उसको परचेस कीजिए। तो जो एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके INDMoney ऐप को डाउनलोड करिए और इजिली इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक परचेस करना शुरू करिए। लेकिन मुझे ना एक चीज और पता है, अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि क्या यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है। देखो यार एक चीज बताता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। 2011 में $1 के मुकाबले 46.7 रुपीज था, और 2021 में वही $1 के मुकाबले 74 रुपीज है। तो आपको स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ रुपी डिप्रिसिएशन का भी फायदा मिलेगा, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह यूएस स्टॉक को भी देनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है INDMoney का, जाके डाउनलोड करिए और शुरू हो जाइए। जब हम किया सोनेट लेने गए थे ना, बहुत सारे बंदे कमेंट आए थे कौन सी गाड़ी ले ली, कौन सी गाड़ी ले ली। हम कह रहे थे बहुत बढ़िया लिया, लेकिन हो गया ही 900 किलोमीटर नहीं चली, स्टार्ट ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही। ओ भैया सर भाई मिट्टी हो गई, मारो भाई सेल्फी एक बारी, भाई फोटो वोटो मत। अच्छा तो तुम्हारी फोटो नहीं लेते, चलो चलो इधर से आगे से ले ले, आपकी फोटो लेने में आ गया। बस रहने दो भाई, निपट गई हमारी नई गाड़ी, निपट गई। बताओ क्या करूं मैं? नहीं नहीं सर, तो बोल रहे हैं सुबह तो हमने पार्क करी है, नहीं सेल्फ तो ले रही है पर स्टार्ट नहीं हो रही। कितने किलोमीटर चली है अभी तक हमारी गाड़ी? 932 भाई, 932 में ही बोल गई। अभी हमारा प्लान बन रहा था कि आज या कल में ऋषिकेश निकलेंगे नई गाड़ी को लेके, निकल लिया ऋषिकेश। हो गया क्या? हो गया कान,
भाई क्या दिन आ गए, गाड़ी का टेम्परेरी नंबर और हालात देख लो, बोनट खुल गया। ओ भाई साहब किया तूने क्या किया बेटा नीचे आइयो, किया तूने क्या किया, लाठी वाली धक्का मार रहा है। मेरे कुछ नहीं, आ जा नीचे आ जा, दो चार बंदे चाहिए। कह रहा मैं को धक्का मारूंगा, सबके सब धक्का मारेंगे। बताओ नई गाड़ी, नई मतलब महीना भी नहीं हुआ ली हुए, उसको हम धक्का मारने वाले हैं। 10 दिन में भाई, अभी महीना भी नहीं हुआ, दो ही कह रहा हूं। घुमा दो स्पीड ब्रेकर कर जाएगा, कर देगी। हां चलो मारे धक्का, सीधा करो हैंडल, छोड़ो। ओ भाई ओ किया तूने क्या किया। तो फाइनली हमारी गाड़ी धक्का मारने के बाद स्टार्ट हो गई है। अब बैटरी तो नहीं हो सकती यार, रेगुलर चला रहे हैं, कोई ना कोई फॉल्ट होगा। नई बैटरी डलेगी मेरे ख्याल से, पता नहीं। मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी वापसी करा दो भाई, कोई और ले लेते हैं। एक मिनट बाद गाड़ी की बैटरी चेंज करके लाना, नहीं तो गाड़ी मत लाना, ये रख लेना आपकी अब से गाड़ी। भैया मुँह छुपा रहे, कह रहे मेरी शक्ल बता दे दो। तो भाई हमने बोल दिया है सर्विस के लिए गई गाड़ी, बैटरी चेंज नहीं करके लाओगे, फॉल्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो गाड़ी लेके मत आना यार। देखो प्रीति तैयार होकर जा रही थी कहीं, बेटा गई तुम्हारी किया। जब घर से गाड़ी बाहर निकाल, लगा जा, जब घर से गाड़ी बाहर निकालोगे भाई मैं धक्का नहीं दूंगी। देना पड़ेगा, जो गाड़ी में घूमेगा उसको धक्का देना पड़ेगा, अगर मैं घूमूंगा मेरे को देना पड़ेगा, ये घूमेगी इसको देना पड़ेगा। महाराजे की गाड़ी में घूमूंगी, मेरे लिए सेफ्टी बहुत है। ले गई शिफ्ट भी गई दिल्ली, टूटे टांग वाले की गाड़ी में घूमूंगी। हमारी बाइक साफ होके कितनी शानदार लगती है, लेकिन ये बस पेड़ से चूरा वूरा गिरता रहता है, वही है। बड़े दिन हो गए हमने इको स्पोर्ट नहीं चलाई, इसका नंबर भी लगा लेते, नहीं तो पड़े पड़े इंजन डेड हो जाए। तो यहाँ आए थे एक छोटा सा काम निपटाने के लिए, निपटा लिया, अब जा रहे हैं वापसी घर। आज दिल्ली नहीं जाने वाले, आज बहुत आलसी वाला दिन होता है ना, हफ्ते में एक दिन होता है जो बहुत ज्यादा आलस वाला होता है, उस दिन हम घर से निकलते ही नहीं है। छोटे मोटे काम होते घर के आस पास, बस वो निपटा लेते हैं। सीमा दीदी एक बढ़िया सा ग्लास नींबू पानी बना दो। कहाँ गई, धक्के मार के आए हैं, सांस चढ़ गई भाई, अब नींबू पानी पीना पड़ेगा। अच्छा वाला बैठ के मैं यहाँ पर अपनी वीडियो एडिट कर रहा था, जीजू का फोन है भाई, सर्विस के लिए गाड़ी जा रही थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मतलब ये तो अपना कंटेंट है, भागो। हमारे बचपन ये वो टॉफी है जो कल हम एरोसिटी से चुरा के लाए थे। हमारे बचपन की, अबे तू अभी तक बचपन में ही है। ये हम एरोसिटी से चुरा के लाए थे, स्वाद वाली टॉफी, बहुत अच्छी लगती है। चल बाय बाय यार, तुम लोग जा के नहीं रहे। आज हम करने वाले पार्टी, जीजू भी जा रहे हैं, प्रीति भी जा रहे हैं, घर है खाली, सिर्फ मैं और ये बच्चे। पिज्जा मंगाएंगे, आप कहाँ से करोगे पार्टी? कोई नहीं करेगा, सिर्फ हम, ठीक है ना किरत? हम करेंगे आज। जब ये योगा बोलती है ना मेरे को इतनी हंसी आती है, भाई योगा ही क्लास बनाया यार। ओ मेरा नींबू पानी इनको दे दिया, धक्का ज्यादा मैंने मारा गाड़ी को। हेलो घूमो, तुम्हें कनाडा पहुंचाऊं, आओ घूमो, डरना नहीं है, आगे देखना है। ओ पहुंचाना, ओ भाई ये तो सही में खतरनाक था, ये जान मूझ के वाला नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा दीदी, बुला रहे। चीयर्स। कौन खड़ा है ये? ठीक है खोल दरवाजा, ये ले भाई तेरे लिए छोटा पिज्जा, ओहो ये भी तेरे लिए, वाह वाह पार्टी हो गई है, ये हो गया भाई, वो दे देना। चलो थैंक यू भैया, चलो भाई दरवाजा बंद करेगा चाचा तेरा। हाँ हवा देखो बाहर, हवा कैसे चल रही है, और ये देख रहे हो ये जो पेड़ के ऊपर से गिरता है, यही है ये जो पूरा नीचे फैला रहता है। और हमारा ऑर्डर टाइम से पहले आ गया, मेरे को लगा था आधा घंटा लगेगा, लेकिन जो डोमिनोज है ना बिल्कुल पास में ही है, 20 मिनट में ही पिज्जा हमारे पास। पैरी आजा भाई, पहले ही अपना अपना हिस्सा बांट लो चुपचाप। देख ये गार्लिक ब्रेड मेरी है, ओए 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 ये मेरी है, तेरे लिए चीज पिज्जा बोला था ना भाई। एक बाइट दे दूंगा, चल एक बाइट दे दूंगा, रुक जा इसमें देख ले। पैरी भी मेरे को एक बाइट देगी और तू भी मेरे को एक बाइट देगा, यहाँ बदला बदला नहीं होता, यहाँ होता है सिर्फ लो। हम हमेशा आऊ करते हैं, आऊ नहीं करते। इतना नहीं रोते, क्या हो गया? ये देखो अब ये नाराज होकर लेट गया, अब ये कह रहा है मेरे को ये खाना है, जब तेरे लिए पूरा पिज्जा मंगाया तेरे को वो क्यों खाना है? अच्छा ले लियो ना, बोलता ना तेरे को, चल दे दूंगा, पांच तक गिनूंगा, अगर नहीं उठेगा तो फिर नहीं दूंगा, एक दो तीन। ड्रामे बाद, चल ठीक है पहले ये खा ले, नाक से उंगली निकाल, पहले हाथ धो के आ,
पहले हाथ धो के आ, पता नहीं क्या गंदा कहीं का ये हाथ है तो धो के आ, तब भी धो के आ, ये हाथ है। ये मेरे को ये वाला पीस चाहिए। नहीं मैं इसमें से लगा यार, ये तो चीटिंग चीटिंग। नहीं अरे बड़ा वाला ये नहीं दूंगी, ऐसा थोड़ी होता है। चल ठीक है, चिकन के पीस दे फिर एक दो और। हाँ सारे ले लो, मतलब आज नहीं देख पाएंगे टीवी, कहने लग ये है। तो हम 15 मिनट से बैठे हैं इस डब्बे को देखने के लिए। हमारा पिज्जा खत्म हो गया, गार्लिक ब्रेड खत्म हो गई, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई, लेकिन पैरी से डब्बा नहीं चला। चला दे इसको किस तरह? नहीं चल रहा। बताओ वहाँ नो केबल कनेक्टेड। ओ भाई, ओ भाई चॉकलेट। तो ये रही वोलिनी और ये रही मेरी आई वॉच। ये क्यों दिखा रहा हूँ? बिकॉज आई वॉच मैंने उतार दी है, मेरे जो अंगूठे में लगी थी ना, मुझे लगा था 2 या 4 दिन में आराम आ जाएगा, लेकिन उसका आराम नहीं आ रहा, पेन अभी भी है, इसलिए मैंने ये बांध लिया। और हमारी जो किया की गाड़ी सुबह गई थी वो वापस आ चुकी है सर्विस होके। अभी पूछते हैं क्या कुछ चेंज किया है या क्या किया है या दिक्कत क्या आ रही थी। वो रही हमारी गाड़ी और इन बाऊजी ने गाड़ी रिसीव कर लिया और पूछने भी नहीं दिया कि गाड़ी में दिक्कत क्या आई थी। और उसे बोला चाबी लो, पेपर लो। एक पेपर पकड़ा गया जिसके अंदर लिखा हुआ है फ्री सर्विस एंड पिक एंड ड्रॉप, 0 रुपए का बिल है और हमें ये नहीं पता गाड़ी में दिक्कत क्या आई थी। अब एक बार स्टार्ट करके देख ले, स्टार्ट हो भी रही है नहीं हो रही। चलो भाई ये तो स्टार्ट हो गई सही एकदम। चला के दिखाओ। एक तो मेरे हाथ का आराम नहीं आ रहा। ले आया भाई गोलगप्पे। हाँ जी सही है, और ये पट्टी भी एकदम सही बन गई है। तो अब इस कमरे में इतनी ज़्यादा रोशनी हो गई है ना, ऐसा लगता है जैसे रात के टाइम भी इस कमरे में दिन है। और एक चीज़ और दिखाऊं, मैंने अपना जो ये है हीरो 9 इसकी 2 बैटरी मंगाई थी, ये बैटरी पुरानी है और एक ये न्यू बैटरी मंगाई है। बिकॉज मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा टाइम मोटर व्लॉग करूँगा या अगर व्लॉग वगैरह बनाऊंगा ना तो GoPro हीरो 9 से बनाने वाला हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ले तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। कीरस सो चुका है इसलिए मैं अकेले एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।